अ गेटवे टू द वेस्ट सूरत. सूरत इन गुजरात वॉज द एम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड अलॉन्ग विद द कैम्बे प्रेजेंट इन दे खम्बात एंड सम वॉट लेटर. सूरत जो है वो कहाँ था, कहाँ है, गुजरात में है. वहाँ पर क्या था, एक एम्पोरियम था वेस्टर्न ट्रेड का. कब से मुगल शासन जब से था, मुगल पीरियड जब से था, तब से वहाँ पर वेस्टर्न ट्रेड का, वेस्टर्न ट्रेड वहाँ से होता था. ठीक है, वहाँ पर एक कैम्बे करके जगह है वहाँ से, जो कि समुद्र के पास है सूरत के पास, जिसको कि अभी हम खम्बात के नाम से जानते हैं. एंड सम वेयर लेटर और अहमदाबाद और कुछ टाइम और कभी अहमदाबाद सूरत वॉज द गेटवे ऑफ द ट्रेड विद द वेस्ट एशिया वाया अ गल्फ ऑफ अरमोस. और जो सूरत और अहमदाबाद है, मतलब सूरत जो है वो क्या है, व्यापार का, उसको क्या कहा जाता है, गेटवे कहा जाता है विद वेस्ट एशिया वाया, जहाँ पर वेस्ट एशिया से, वेस्ट एशिया जहाँ पर इंडिया से लेकर वेस्ट एशिया तक व्यापार होता था, किसके रास्ते, गल्फ ऑफ उमरोस के रास्ते. सूरत हैज़ बीन कॉल्ड द गेट ऑफ मक्का. सूरत को गेट ऑफ, मतलब सूरज हैज़ ऑल्सो बीन कॉल्ड द गेट ऑफ मक्का. सूरज को गेट ऑफ मक्का भी कहा जाता है, क्योंकि बिकॉज मैनी पिलिग्रिम शिप्स सेट सेल फ्रॉम हेयर. क्योंकि बहुत सारी पिलिग्रिम शिप्स जो हैं वो यहाँ से या सेल यहाँ से होकर ही जाती हैं. द सिटी वॉज कॉम्पोलाइटन एंड पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड क्रीड्स लिव देयर. यहाँ पर सभी कास्ट के लोग यहाँ रहते हैं. इन द 17th सेंचुरी द पुर्तगीज, डच, इंग्लिश हैड देयर फैक्ट्री एंड वेयर हाउस एट सूरज. 17वीं शताब्दी में पुर्तगीज, डच और अंग्रेज़ों की यहाँ पर फैक्ट्री और वेयर हाउस सूरत में हुआ करती थी. अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश क्रॉनिकल, ओविगेशन ऑफ द रोड एंड अकाउंट ऑफ द पोर्ट इन 1689, On average 100 ships in different country could be found and called of the port any time given. मतलब 1689 में यहाँ पर बहुत सारे, मतलब जब कंट्री से व्यापार होता था तो यहाँ पर बहुत सारे, मतलब इस पोर्ट में बहुत सारे ships, अलग अलग तरीके के ships होते थे जो दूसरी कंट्रियों में जाकर व्यापार करते थे. मतलब शिप्स से माल जाता था दूसरी कंट्रियों को. देयर वर ऑल्सो सेवरल रिटेलर एंड होलसेलर शॉप सेलिंग द कॉटन क्लोथ्स. और यहाँ पर बहुत से रिटेलर और होलसेलर शॉप्स हैं जो कि कॉटन टेक्सटाइल्स, मतलब कॉटन कपड़े सेल करते थे. टेक्सटाइल ऑफ सूरत वर फेमस फॉर द गोल्डन लेस बॉर्डर जरी एंड हैड मार्केट इन वेस्ट एशिया. अब जो सूरत में बहुत ज़्यादा जो फेमस है वो क्या है, गोल्डन लेस बॉर्डर है, मतलब जरी है. और यहाँ के मार्केट जो है, मतलब यहाँ के मार्केट का सामान वेस्ट एशिया में काफ़ी बिकता है, जैसे अफ्रीका और यूरोप में भी बिकता है. द स्टेट बिल्ड न्यूमेरस रेस्ट ऑफ हाउस टू टेक केयर द नीड्स पीपल फ्रॉम ओवर द वर्ल्ड हु केम टू द सिटी. अब यहाँ पर इसके अलावा मतलब रेस्ट हाउस भी हैं जहाँ से दूसरे देशों के लोग व्यापार करने आते हैं, तो इस सिटी में वो अपनी नीड्स को पूरी कर सके. यहाँ पर रहकर आराम करके वो अपनी नीड्स को पूरी करें और आगे फिर व्यापार करें. देयर वर मैग्निफिशेंट बिल्डिंग्स एंड इन्यूमरेबल प्रेजर पार्क्स. यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं और पार्क्स भी हैं. द काठियावाड़ सेठ्स एंड महाराजास हैड ह्यूज बैंकिंग हाउस एट सूरत. द काठियावाड़ सेठ और महाजन्स हैं, उनके पास बहुत बड़े बैंकिंग हाउस हैं सूरत में. इट इज़ नॉर्थ वे दैट सूरत हुंडीज वर ऑनर्ड ऑफ फॉर ऑफ मार्केट एंड कैरियो इन इजिप्ट. और यहाँ पर सूरत की हुंडीज जो हैं वो, मतलब बहुत उसको माना जाता है, और जैसे कि इजिप्ट का कैरियो मार्केट्स है. बसरा इन इराक एंड अंटरप इन बेल्जियम. और बसरा इराक में और अंटरप बेल्जियम में. हाउ एवर सूरत बिगेन टू डिक्लाइन टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी. दिस वॉज बिकॉज मैनी फैक्ट्रीज, द लॉसेस, मार्केट्स एंड प्रोडक्टिविटी. अब सूरत के अंदर 17th सेंचुरी के अंदर धीरे धीरे, मतलब जो फैक्ट्रीज थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत से फैक्टर्स थे जहाँ मार्केट में बहुत लॉस हुआ था. बिकॉज ऑफ डिक्लाइन द मुगल एम्पायर. क्योंकि उस समय मुगल एम्पायर के, मुगल एम्पायर का राज चल रहा था. कंट्रोल ऑफ द सी रूट्स, जिन्होंने सी रूट्स पर अपना अधिकार कर लिया था. द पोर्टुगीज एंड कॉम्पिटिशन्स फ्रॉम बॉम्बे
वेयर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी शिफ्टेड हेडक्वार्टर इन 1668, जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ शिफ्ट हो गया था, बॉम्बे में शिफ्ट हो गया। टुडे सूरत इज अ बस लाइन कमर्शियल सेंटर, आज सूरत जो है वो एक कमर्शियल सेंटर है। फिशिंग इन ट्रबल वाटर्स एंड मछलीपट्टनम, द टाउन मछलीपट्टनम एंड मछलीपट्टनम ले ऑन द डेल्टा ऑफ कृष्णा रिवर, मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम जो है वो डेल्टा नदी, कृष्णा नदी के डेल्टा के किनारे हैं। इन 17th सेंचुरी इट वॉज सेंटर्ड इन अ इंस्टेंट एक्टिव, बोथ द डच एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज अटैम्प्ट टू कंट्रोल मछलीपट्टनम एज इट बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑन द आंध्र प्रदेश कोस्ट। अब जो मतलब डच और इंग्लिश जो थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनीज का यहाँ पर क्या करके रखा था, स्थापित करके रखा था मछलीपट्टनम में, और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट बन गया था आंध्र प्रदेश का। द फोर्ट एट मछलीपट्टनम वॉज बिल्ड बाय डच, और जो मछलीपट्टनम का फोर्ट है, जो किला है, वो किसके द्वारा बनाया गया है, डच के द्वारा बनाया। द कुतुब शाहीन रूलर्स गोलकुंडा इम्पोज रॉयल मोनोपोली ऑन द सेल ऑफ टेक्सटाइल्स स्पाइसेस एंड अदर आइटम्स, प्रिवेंट द ट्रेड पासिंग कंप्लीटली इन टू द हैंड्स टू वेरियस ईस्ट इंडिया कंपनी। The competition among the various trading groups, the Golconda nobles, Persians, merchants, Telugu, Kumti, Chetis and European traders made the city population and prosperous. As the Mughal began to extend their power, Golconda, their representative, the governor Mir Jumla, who was also merchant, began to play off Dutch and English agents each other. In 1686-1687, Mughal Emperor Aurangzeb extended Golconda. This caused European companies to look for alternative. It was a part of new policy of the English East India Company, that is what not enough a port and connection with the production centers of the hinterland. The new company trade centers, it was felt, should combine political and administrative and commercial rules. As the company traders moved to Bombay, Calcutta and Madras, Mushlipattam lost both merchants prosperity and decline in the course of 18th century begin today nothing more than depleted little towns. New towns and traders, अब नए जो towns हुए और traders हुए वो क्या हैं। In 16th and 17th century European country were search for spices and textiles. अब 17वीं और 16वीं शताब्दी में European countries जो थी उनको मसाले और textiles की खोज होने लगी, which had become a popular both Europe and West India, जो कि बहुत popular हो गया था Europe और West Asia में। The English, Dutch and French also formed East India Company in order to expand their commercial activities in East. अब जो Dutch, English और French थे उन्होंने East India Company के orders को और उनकी एक्टिविटीज़ को ईस्ट में मानना शुरू कर दिया था। इंक्लूड द ग्रेट इंडियन ट्रेडर्स लाइक मुला अब्दुल गफूर एंड मिर्जा वोरा हु ओन द लार्ज नंबर ऑफ शिप कंपटेट विथ दैम। हाउ एवर द यूरोपियन कंपनीज यूज देयर नेवल पावर एंड गेन कंट्रोल ऑफ सी एंड ट्रेड फोर्स इंडियन ट्रेडर्स टू वर्क देयर एजेंट्स। अल्टीमेटली द इंग्लिश इमर्ज टू मोस्ट सक्सेसफुल कमर्शियल एंड पॉलिटिकल पावर ऑफ सब कॉन्टिनेंट। द supports and demands of goods like a textile lead to great expansions of the crafts and spinning, weave, bleaching, dyeing, etc. with the more and more people taking them, Indian textiles designs become increasingly refined. However, this period also saw the decline, the independence of craft person. They now began to work in a system advance, which meant that they had to weave clothes which were already promised European agents. Weavers no longer had a liberate selling their own clothes, weaving their own patterns. They had to reproduce the designs supplied by the company. अब जो weavers थे उनको क्या करना पड़ता था, जो company उनको designs देती थी उनको उसी के हिसाब से weaving का काम करना पड़ता था। वो अपने मन से कुछ भी नहीं weave कर सकते थे, और जो craft person थे वो भी company के ही सब अधीन थे। तो company उनको जैसा काम करने को बोलती थी, जिस तरीके की design बोलती थी, उनको उन्हीं के हिसाब से काम करना पड़ता था। द 18th सेंचुरी saw a rise of Bombay, Calcutta and Madras, which are the nodal cities today. Craft and commerce underwent major changes as merchant and artisans were moved into the black towns established with the European companies within these new cities. The blacks or native traders of craft person were conflict here, while white rulers occupied the superior residence. Fort St. George, Madras and Fort St. William in Calcutta.
द स्टोरी ऑफ क्राफ्ट पर्सन एंड कॉमर्स इन 18th सेंचुरी विल बी टेकन अप नेक्स्ट ईयर. अब जो बॉम्बे और मद्रास और कलकत्ता में थे वहाँ पर भी जो काले और गोरों में फ़र्क किया गया, जो इंग्लिश यूरोपियन लोग थे उन्होंने क्या किया, अपने अपने हिसाब से वहाँ पर उन्होंने अपने चर्च वगैरह बना लिए. और बाकी इसकी स्टोरीज जो हैं वो आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे. सो आवर चैप्टर इज़ फिनिश्ड हियर. थैंक यू एंड टेक केयर.